हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक एकदम बेसिक है, मैं लॉजिकली आप लोगों को समझाऊंगा। लॉजिक होगा उसके पीछे कि इसको हम कैसे सेल करेंगे और ये कितना होना चाहिए। इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ, बेसिक है इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है, इंजेक्शन प्रेशर को कैसे सेट करते हैं और कितना सेट करते हैं और क्यों इतना सेट करेंगे, क्यों इतना ही सेट करना है, इससे ज़्यादा में प्रॉब्लम आती हैं और प्रोसेस स्टेबल नहीं होता है। इंजेक्शन प्रेशर की यूनिट क्या होती है, इंजेक्शन प्रेशर मिनिमम रखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे लिए नए हैं, मेरे चैनल के लिए नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें पहले, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई वीडियोस मैंने बना रखी हैं, कई लोगों के फ़ोन आते हैं, सर इस पे बता दीजिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। वो तो रिजॉल्व हम कर देते हैं, बाकी जो मोल्डिंग से संबंधित आप लोगों को वीडियो की रिक्वायरमेंट है या आपको चाहिए कि इस तरह का वीडियो मुझे देखना है, समझना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्रोफाइल में जाइए, वहाँ आप प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित इंजेक्शन मोल्डिंग फोल्डर में रखे हुए हैं सारे वीडियो, आप देख सकते हैं। जो समझना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी मैंने मेंशन कर रखा है प्रोफाइल में, आप देख सकते हैं, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग में जो इंजेक्शन प्रेशर रहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसको कितना सेट करना है, क्योंकि इंजेक्शन प्रेशर के बेस पर ही पार्ट फिलिंग होती है और पार्ट फिलिंग जो वेरिएशन होता है वो कंट्रोल होता है। पार्ट को जो डिफेक्ट फ्री प्रोड्यूस करना है तो वो जो वेरिएशंस आते हैं, कुशन वेरिएशन हुआ, फिल टाइम वेरिएशंस हुआ या फिर चार्जिंग टाइम वेरिएशंस हुए, ये सारे कंट्रोल इंजेक्शन प्रेशर के बेस पर ही करते हैं। यदि इंजेक्शन प्रेशर आपने प्रॉपर सेट किया है, अच्छा सेट किया है, तो ये समझ लीजिए इन सब चीज़ों में वेरिएशन नहीं आएगा। और जो आप प्रोसेस सेट करेंगे, प्रोसेस प्रॉपर और बिल्कुल स्टेबल होगा, उसके बाद आपको प्रोसेस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि कोई कंसर्न्स आते हैं तो वो मोल्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, मशीन से रिलेटेड हो सकते हैं, कूलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, मटेरियल के रिलेटेड हो सकते हैं, बट प्रोसेस के रिलेटेड नहीं होंगे। यदि आप प्रोसेस अच्छा सेट करेंगे, इंजेक्शन प्रेशर प्रॉपर सेट करेंगे और मिनिमम इंजेक्शन प्रेशर पर आप पार्ट को स्मूथली फिल कर देंगे तो कोई कंसर्न नहीं आएगा। यह मेरा वादा है आप लोगों को, इंजेक्शन प्रेशर के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, आपको प्रॉपर इंजेक्शन प्रेशर कितना सेट करना है, कितना रखना है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, वो जरूर आ जाएगा। बिल्कुल वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखा करें, क्योंकि आप थोड़ा सा वीडियो देख के समझते हैं कि मैं प्रॉपर समझ जाऊं, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिस कर जाते हैं और लास्ट तक ना देखने की वजह से आप थोड़ा देखने के बाद भी वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में बने रहें और आगे तक देखें, लास्ट तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंजेक्शन प्रेशर? इंजेक्शन प्रेशर इज द प्रेशर अंडर विच द मोल्ड फील्स, इट्स कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज प्रेशर आल्सो। एक शॉट को फिल करने के लिए, यानी मोल्ड और कैविटी को फिल करने के लिए जो प्रेशर मशीन लगाती है उसे इंजेक्शन प्रेशर कहते हैं। यानी कि पार्ट को फिल करने के लिए जितना प्रेशर हम देते हैं या प्रेशर लगता है जो होल्डिंग स्टेज से पहले
वो होता है इंजेक्शन प्रेशर। इसे फर्स्ट स्टेज प्रेशर भी कह सकते हैं क्योंकि ये होल्डिंग से पहले लगता है। जो इंजेक्शन स्टेज में लगता है यानी होल्डिंग नहीं लग रही होती है तब। इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन प्रेशर की यूनिट होती है MPa बार PSI, ऑलमोस्ट यही यूज होती है। इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन प्रेशर कैसे सेट करें और कितना सेट करें, अगर इसकी एक्चुअल स्टडी करनी है तो हमें इन 5 पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल प्रेशर सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक्सपीरियंस के बेस पे प्रेशर सेट करते हैं वो अलग मैटर हो जाता है। यदि आप एक्चुअल साइंटिफिक इंजेक्शन मोल्डिंग के बेस पे अगर प्रेशर को सेट करना है तो ये 5 पॉइंट्स जो दे रखे हैं मैंने, इस पर वर्क करना होगा। ये कैसे वर्क करते हैं इस पे वो मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन। पहला पॉइंट लिया है जो इंजेक्शन प्रेशर ऑन नोजल। नोजल पर इंजेक्शन प्रेशर आप कितना यूज कर रहे हैं या कितना लग रहा है या कितना वेस्ट हो रहा है इंजेक्शन प्रेशर नोजल पर, नोजल के जस्ट गेट पर कितना यूज हो रहा है उसकी स्टडी कैसे करेंगे आप। नोजल को आपने बैग लिया, बैरल पूरी बैग लेने के बाद मिनिमम स्पीड 5, 7, 10 जितनी रख पाए मिनिमम स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की, और जितना मैक्सिमम प्रेशर रहता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का वो रख के आप नोजल के ऊपर कितना इंजेक्शन प्रेशर वेस्ट हो रहा है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। बैरल पीछे लिया, बैरल पीछे लेने के बाद ओपन पर्ज करेंगे और जितना प्रेशर आएगा मशीन के ऊपर साइड में दिखता है या आप पीक प्रेशर किसी मशीन में पीक प्रेशर के रूप में ऊपर नजर आएगा आपको, वो नोट डाउन करना है वो कितना लग रहा है, कितने बार लग रहा है, MPa लग रहा है, PSI लग रहा है, जो भी आपका जो मशीन में है यूनिट उसके बेस पे उसके प्रेशर की स्टडी कर लेंगे। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ये है इंजेक्शन प्रेशर ऑन रनर एरिया। रनर एरिया जहाँ पर प्रेशर वेस्ट हो रहा है या जहाँ से मटेरियल को फिल करने के लिए प्रेशर लग रहा है, केवल रनर एरिया का हमें प्रेशर कैसे नोट करना है या कैसे निकालना है उसको हम स्टडी करने से पहले आपको बता दें कि पार्ट को पूरा नहीं भरना है, रनर एरिया तक पार्ट को फिल करना है। केवल रनर आए उतना एरिया जो है रनर एरिया आएगा उसमें कितना प्रेशर लग रहा है वो स्टडी कर लेंगे। कैसे करेंगे वो आप चाहे ट्रांसफर पोजीशन को ऊपर लेके, चाहे आप शॉर्ट साइज कम लेके, लेकिन इस कंडीशन में होल्डिंग पूरा जीरो रहेगा, होल्डिंग प्रेशर जीरो रहेगा। होल्डिंग स्टेज तक आपको पार्ट की फीलिंग नहीं ले जानी है, उस कंडीशन में आप रनर एरिया का प्रेशर नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंजेक्शन प्रेशर ऑन गेट एरिया। जो गेट एरिया है उसमें कितना इंजेक्शन प्रेशर लग रहा है, होल्डिंग पूरा जीरो रहेगा। आपको क्या करना है गेट एरिया तक पार्ट को फिल करना है, केवल पार्ट का गेट एरिया आए मतलब रनर तो आएगा ही आएगा, पार्ट को फिल होने से पहले गेट पर कितना प्रेशर यूज हो रहा है रनर का पता चल गया, नोजल का पता चल गया, आप गेट एरिया में कितना प्रेशर यूज हो रहा है वो भी आपको ऐसे ही पार्ट को फिल करते हुए लेना है, होल्डिंग इस कंडीशन में भी जीरो रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लेना है इंजेक्शन प्रेशर ऑन पार्ट सरफेस। पार्ट सरफेस के प्रेशर को हम जब कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम रीड करेंगे तो क्या करेंगे, होल्डिंग पूरा जीरो रहेगा, पार्ट को फिल करेंगे 75% पार्ट को फिल कर देंगे तो वो कितना कहां रिप में स्लाइडर में कहां आपका इंजेक्शन प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो स्टडी हो जाएगी। 75% पार्ट को फिल करेंगे विदाउट होल्डिंग तो आ जाएगा इंजेक्शन प्रेशर ऑन पार्ट सरफेस। यदि उसमें रिक्वायरमेंट है MDC का टेम्परेचर इंक्रीज करने की करना, लेकिन आपको प्रेशर मिनिमम रखना है इन सब कंडीशंस में। अब बात करते हैं इंजेक्शन प्रेशर ऑन लास्ट
फीलिंग एरिया। लास्ट फीलिंग एरिया मतलब कि 90% अगर पार्ट फील हो जाता है तो लास्ट फीलिंग एरिया हो जाएगा वो। लास्ट फीलिंग एरिया तक पार्ट को फील करने के लिए कितना प्रेशर लग रहा है, कितना इंजेक्शन प्रेशर लग रहा है, होल्डिंग इन सब कंडीशन में जीरो रहेगी। पार्ट को फील करोगे आप लास्ट फीलिंग एरिया तक 90%, फिर 10% जो फील करेंगे वो होल्डिंग प्रेशर होल्डिंग टाइम से फील करेंगे पार्ट को। आपको फील करना है 90% पार्ट को, तब आप उस कंडीशन में इंजेक्शन प्रेशर को नोट डाउन कर लेंगे। सब जगह आपको इंजेक्शन प्रेशर का पता चल जाएगा। जैसे 10 बार इसमें अगर यूज कर रहे हैं, 10 बार इसमें यूज कर रहे हैं और 20 बार इसमें यूज कर रहे हैं और 40 बार इसमें यूज कर रहे हैं, लास्ट फीलिंग एरिया जब फील कर रहे हैं पार्ट का तो इसमें आप 20 बार यूज कर रहे हैं, तो सबको आप जोड़ के कैलकुलेट कर लेंगे टोटल जितना आएगा वो जो प्रेशर है वो आपका मशीन का एक्चुअल इंजेक्शन प्रेशर होगा।